यादव मिले हैं, अभी चर्चाएं ऐसी हैं कि गोरखपुर से चुनाव भी लड़ सकते हैं, किस तरह देखते हैं सांसद जी? देखा, हम सबके आज़ादी भाई, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, कोई किसी को भी मिल सकता है, जिसकी जो विचारधारा है वो अपने विचारधारा के लोगों से जाके मिलेगा। बाकी एक बात बता दें, कुछ भी मिल जाए, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे पूज्य महाराज जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ काम किया, हम लोग 350 से ज़्यादा सीटों से आएंगे, वो कोई भी आ जाए, किसी से भी मिले, हम लोगों को वहाँ की चिंता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारा संगठन हम लोगों को ये सिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर क्या काम कर रही है। हम लोगों का फोकस अर्जुन जैसे मछली की आँख पर रहता है, वैसे रहता है, कौन क्या किसी को मिलता है उसका मतलब, हमारे पास कार्यशैली इतनी है कि हम लोगों को भय किसी से नहीं। हमारे सत्य महाराज जी का काम है, हमारे साथ संगठन बैठा, हम लोग निरंतर 24 घंटा काम करते रहते हैं। कोरोना काल में 18 करोड़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता ज़मीन पर थे, क्या मुख्यमंत्री, क्या सांसद, क्या विधायकगण, क्या कार्यकर्ता, सब लोग, कोई भी पार्टी का नहीं, लोग अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं गए, अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी, ये लोग किस मुँह से जाएंगे और वोट मांगेंगे? हमको तो पहले यही नहीं समझ में आता कि कैसे इनको वोट मिलेगा, क्या बोलेंगे ये लोग, कोरोना काल में कहाँ थे, कब थे, जब अनाज क्या इन लोगों ने बांटा, क्या फ्री वैक्सीन दी, हम लोगों ने जो जो कार्य किया, हम लोगों ने जैसे अस्पताल या सिलेंडर अरेंज किया, हम लोगों ने 15 दिन में जैसे कंट्रोल किया इस महामारी को, क्या इन लोगों के पास कोई मुँह है? क्या ये लोग बता पाएंगे कि हमको वोट इस अधिकार से दें? इनका समुदाय, इनकी बिरादरी इनको नहीं देगी, क्योंकि इनके बिरादरी वालों को अस्पताल हम लोग ले जा रहे थे, हम लोग उनको फ्री वैक्सीन पहुंचा रहे थे, हम लोग हाथ गोड़ जोड़ के कि माई वैक्सीन लगवा लो, जान बची, जहाँ के लोग उसका विरोध कर रहे थे कि जहर बायकरे में, विरोधी पार्टी बोल रही थी इसमें पानी है, ये भाजपा की वैक्सीन है, आज उनके सारे दिग्गज नेता छुप छुप के लगवा रहे हैं, हमारे पास सबकी फ़ोटो है, सारे नेताओं ने छुप छुप के जो लगवाया है, तो ये लोग कौन मुँह से जाएंगे और ये लोग वोट मांगेंगे, कौन मुँह से 2022 ये लोग जीतेंगे? तो यही बात सोचने जैसी है, आप लोग खुद ही सवाल ये कर रहे हैं, सोचिए मीडिया कर्मी भी ये सोच रहे हैं कि ये पार्टी कैसे, सपा और बसपा और कांग्रेस कैसे जीतेगी, ये लोग पेड़ से उल्टा भी लटक जाएंगे तब वो लोग वोट नहीं पाएंगे। भोजपुरी जो रीजनल सिनेमा है वो सबसे बड़ी सिनेमा है, सबसे ज़्यादा हमारे पास दर्शक हैं, फिर भी हम सिंगल थिएटर पर अटके हैं, यही कहीं ना कहीं कारण है, कलाकार जो हैं, बड़े प्रोड्यूसर जो हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं, नए लोग ही फिल्में बनाते हैं, जो पुराने लोग हैं फिल्में नहीं बनाते हैं, ताकि आप एक मार्गदर्शक हैं, मेगा स्टार हैं, तो कब हमारी भोजपुरी सिनेमा PVR में मल्टीप्लेक्स में लगेगी? आएगी, बहुत अच्छा सवाल, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा सवाल कहला, और ये समय वापस आएगा, जो मैंने ये मुहिम छेड़ी तब से बहुत सारे अश्लील गाने बंद हो गए, फिल्मों का भी रुख बदल गया, आने वाले समय हम लोग भी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जाएंगे, और हम लोगों को भी ऐसा अगर अच्छी फिल्में बनेंगी तो पूज्य महाराज जी ऐसा रूल ले आएंगे जैसा महाराष्ट्र सरकार ने लाया कि हर मल्टीप्लेक्स में एक मराठी फिल्म लगनी चाहिए, वैसे भोजपुरी, लेकिन उस काबिल भोजपुरी फिल्म बनेगी तो डेफिनेटली वो कानून लाया जाएगा, और एक भोजपुरी का भी आने वाला समय बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर भोजपुरी के व्यूअर हैं यूट्यूब पे तो वो भोजपुरी समाज के हैं, 25 करोड़ का वर्ग है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए इन लोगों को, और इसको, इससे कई लाखों लोगों का रोज़गार और चलेगा अगर इसको बुद्धि से लिए। धन्यवाद, बहुत हो गई लो, चला जाए, हाँ जैसे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी कहलन, बहुत अच्छा डॉक्टर धर्मेंद्र जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कुल संगठन कहा था बैठ के कि भैया वो कहें कि सब लोग भोजपुरी बोलन, हमनी लोगन का माई भोजपुरी बा, हमनी लोगन का भाषा भोजपुरी बा, हमनी लोगन के वोट भोजपुरी समाज दे ले, हमनी लोगन का पहचान भोजपुरी बा। तो आज सबसे कहा कि अमित बाबू के बहुत साधुवाद, और आज सब इन लोगों के, आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन मिलके आशीर्वाद देता कि साफ सुथरा यह तरह अमित बाबू और जितने भी सिंगर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो गोरखपुर के मंडल के हैं, गोरखपुर जनपद के हैं, पूर्वांचल के हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, कि आप लोग कृपया साफ सुथरा गाइए। देखिए जितनी भी हिट फिल्में थी, ए गंगा मैया तो हैं पेरी चढ़े वो, या आप जितनी भी फिल्में, आप बाहुबली देखे तेलुगु की, कोई अश्लीलता नहीं थी, या जो भी यश चोपड़ा जी की फिल्में आती थी जहाँ पे कोई, और जितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं हिंदुस्तान की, कहीं पर अश्लीलता नहीं है, क्योंकि वो परिवार के साथ देखा जा रहा, जो भी अच्छा सिनेमा होता है उसको दर्शक गण ज़्यादा बढ़ते हैं, अच्छा गाना जो बहुत बड़ा हिट होता है उसमें अश्लीलता नहीं होती, आप गौर करिएगा। तो आप लोग कृपया अश्लीलता को छोड़ दें, त्याग दें, ये जो एल्बम बजा रहे हैं या दो तीन लोग आके सबको लग रहा है जो घिनवा दिए हैं, आप लोग कृपया उस पथ पर ना चलें, नहीं तो बाद में आने वाला समय आप लोगों के बहुत 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 सुनाई हो कि का हो बंगला गाड़ी बना लेला, लेकिन का गईला समाज के दूषित कह देला तू।
तो ये भी सुनने मिलेगा। बाल बच्चा तो जब बूढ़ा जीव बैठबा तो लोग बोलिए का हो बूढ़ऊ काम कमा तो लेला लेकिन का गा के कमेला, तो का कौन गामा सुनैबा, कौन सिनेमा अच्छा किए हो, बंगला तो ले लिए लेकिन का क्या किए हो, तो अच्छा काम करके कमाए हो तो ठीक है, नहीं तो बाल बच्चा हो गोजी मारी।